me like a Hellcat. तो हेलो गाइस, वेलकम टू जय स्टूडियोस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बढ़िया होंगे। और गाइस, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो आज आ गई है। तो आज मैं लेके आया हूँ वही पुराना अपना डीजे सेटअप, और इसमें थोड़ा न्यू चीज़ें ऐड की हैं। अगर आपको पता चले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक गाइस, आप देखिए सिस्टम को, इसको ये आपने देखा होगा हमारी पहली वीडियो में, ये वही सबवूफर है। इसको हमने डबल कर दिया है। अब इसकी बहुत तकड़ी बेस है, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सारा बताता हूँ डिटेल में कि कैसे ये सिस्टम बने और कैसे ये धूम मचाता है ये सिस्टम पूरा। आप देख सकते हैं, पहले मैं बता दूँ इसमें 3 सबवूफर लगे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ये सोनी का, और ये हमारा जो दूसरा ये 10 इंचज़ का है, और हम एक इधर बेस लगी है ये भी 10 इंचज़ की ही है। तो गाइस बता दूँ, ये इसमें पहले 8 इंची का स्पीकर लगा था, तो मैंने इसमें निकाल के 10 इंचज़ का सबवूफर लगाया इसमें, ये बॉक्स में। ये मैंने नई चीज़ ऐड की है इस बार। तो गाइस, ये काफ़ी तकड़ा सबवूफर है जो मैंने यहाँ पर लगाया है। गाइस, यहाँ पर है हमारा थर्ड सबवूफर, और ये है डुअल मैग्नेट। आप देख सकते हैं डुअल मैग्नेट है ये देखिए गाइस, ये डुअल मैग्नेट है, और ये अराउंड हमारे 150 RMS का है। और जो हमारा ये मैंने अलग सबवूफर लगाया है, इसकी अराउंड 250 RMS है इसकी, ये स्पीकर की। और गाइस, इस बराबर देख सकते हैं, ये हमारा वही सोनी का सबवूफर, और यहाँ गाइस हमने वही, अब देख सकते हैं, म्यूजिक इनपुट दिया है, जहाँ पर पूरा डीजे इंस्टॉल किया हुआ है, सारी मिक्सिंग यहाँ पर होती है। गाइस देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 डेक वाला सिस्टम है। हम इसको 4 और 8 डेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो आप देख सकते हैं गाइस, ये 2 डेक वाला सिस्टम है। वो गाइस मैं आपको बाद में बता दूंगा। और आप देख सकते हैं कि ये ऑक्स के साथ कनेक्टेड है। और अब बारी आती है गाइस हमारे एम्पलीफायर की। आप देख सकते हैं, ये हमारा एम्पलीफायर, आप देख सकते हैं, ये गाइस अराउंड है, ये है 6500 वाट्स का ये एम्पलीफायर है, जो कि हमारे ये मिड को भी चलाता है। मिड मैंने 2 इससे कनेक्ट किए हुए हैं, और ये जो मिड हैं ये सबवूफर से कनेक्ट किए हुए हैं, ये सोनी वाले से। ये 2 मिड चलाते हैं। और गाइस, ये हमारा एक मैंने और रखा है, ये एक मतलब ट्वीटर का काम करता है। ये ब्लूटूथ सिस्टम है, और इस पर कोई वायर वायर नहीं जाती। और यहाँ गाइस हमारी ये पावर सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ से कनेक्टेड है। ये देखिए गाइस, ये मैंने एक्स्ट्रा तारे लगाई हुई हैं। और गाइस, ये है हमारा मेन पार्ट, ये है हमारा वो स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर, जो कि आउटपुट बढ़ाता है, और इससे गाइस कनेक्टेड है यहाँ पर। ये देख सकते हैं, ये गाइस हमारा AC to DC कन्वर्टर, इसी हमारा ये सारे सिस्टम चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा AC to DC कन्वर्टर, ये बैटरी चार्जर था, इसके मैंने ट्रांसफार्मर बदल दिए हैं सारे। तो अब ये कन्वर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कनेक्टेड है यहाँ से, और यहाँ पर इसके ऊपर वायरिंग सारी जाती है इसके अंदर। और गाइस, ये आपको पता ही होगा, ये हमारा DVD प्लेयर, अगर हमने DVD प्ले करनी है तो अभी तो गाइस हमारा बंद है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, पहले मैं आपको सारा ओवरव्यू दे दूँ कि क्या क्या लगा है कहाँ पर। और गाइस ऊपर आते हैं, यहाँ पर हमारा ये देख सकते हैं, ये वैसे 2 चैनल एम्पलीफायर है। आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट चैनल, ये सेकंड चैनल, और ये दोनों मिक्स कर रहे हैं जब हम मिक्सिंग करनी है, ये तब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे मिक्सिंग हो गया, ये हमारा जो फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड चैनल है। तो गाइस आप देख सकते हैं, अभी तक तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा सिस्टम। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वायरिंग की हुई है। और मैं आपको जैसे गाइस बता रहा था कि मैंने 2 मिड जो कनेक्ट किए हैं, ये सब ऊपर से कनेक्ट किए हैं, ये इनकी वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, जो बाकी मिड है वो इसके साथ कनेक्टेड है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं, काफ़ी वायरिंग हो रखी है यहाँ पर वायरिंग थोड़ी मैं क्लीन करने वाला हूँ। अभी तक तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाया था, थोड़े टाइम में मैं इसकी पूरी वायरिंग अच्छी तरह से करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसीलिए मैं आपको अच्छी तरह जब वायरिंग होगी तब मैं आपको फिर से सुनाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे स्पीकर्स। तो गाइस, ये था हमारा, मैंने पार्ट्स आपको सारे बता दिए। अब मैं थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बता दूँ आपको। तो गाइस हाँ, और मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताने वाला था। स्पेसिफिकेशन गाइस इसकी ऐसी है कि मैंने ये अराउंड हमारा 400 to 450 RMS का सिस्टम है ये हमारा गाइस। और मैंने एक प्रोफेशनल से भी इसकी पीक पावर निकाली थी, तो वहाँ पर इतने ही इसने अराउंड 450 तक RMS तक ये सिस्टम चला गया था। और गाइस बहुत बढ़िया आउटपुट थी मेरी, जो सारी ये इधर विंडो से ये सारी कांपने लगी थी जब मैंने इसको फुल वॉल्यूम पर चलाया था।
वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ कनेक्टेड है। और ये सच ये है कहीं से, मैं आपको ये फ़ैन का बताना भूल गया, ये फ़ैन मैंने इसलिए लगाया ताकि ये हमारा स्टेबलाइजर ठंडा रहे, क्योंकि कहीं से जब मैं काफ़ी देर तक सिस्टम को चलाता हूँ तो ये गर्म बहुत हो जाते हैं और इसकी वो जो आउटपुट है वो कम कर देता है बहुत, कई बार तो ये कट कर देता है जिससे मेरा सिस्टम ख़राब होने का भी डर है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए गाइस मैंने ये फ़ैन भी लगाया हुआ है यहाँ पर। तो गाइस मैं आपको ये इसकी सारा चला के दिखाता हूँ। तो हम पहले हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं इसकी। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि हमारी सबसे पहले पावर सप्लाई ये एक्सटेंशन में जाती है, इससे आगे हम इसको बेचता हूँ मैं। गाइस इसको मैंने डायरेक्ट इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि एक तो हमारा जो है ना हाई लो कन्वर्टर है वो ऊपर से चलता है और मैंने फ़ैन को इससे आउटपुट नहीं दी है, फ़ैन को मैंने अलग से आउटपुट दी है। और गाइस एक हमने जो सोनी के सबवूफर है ये थोड़े कम वाट के हैं, इसके लिए मैंने इसको एम्पलीफायर से नहीं कनेक्ट किया हुआ, एम्पलीफायर नहीं सॉरी स्टेबलाइजर से नहीं कनेक्ट किया हुआ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर ने काम शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं फ़ैन भी सही तरह से चल रहा है। आप देख सकते हैं ये अभी तो इस पर जीरो लोड होगा क्योंकि मैंने इसको अभी सिस्टम को चलाया नहीं है भाई, वैसे भी इसका लोड बहुत कम है इसलिए ये इतने अंश नहीं दिखाता। भाई आप देख सकते हैं ये भी हमारी पावर की लाइट जल चुकी है और गाइस अभी हमारा सारा सिस्टम चल पड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सारा सिस्टम लाइट चल चुकी है, सारा चल चुका है, ये मैंने अभी बंद कर दिया क्योंकि अभी ये इतना जल्दी गर्म नहीं होगा। और गाइस मैं इसकी ऑडियो की वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा गाइस, वो मैं इसीलिए अलग से करूँगा क्योंकि मैं थोड़ी डिटेल वीडियो बनाऊँगा आपके लिए ताकि आप सभी और यहाँ पर ये विंडो भी कांपती दिखाऊँगा अच्छी तरह आपको। वैसे तो ये इधर अलमारी पड़ी है ये भी पूरी कांपती है, पर फिलहाल अभी नई वीडियो आपको बोर हो जाओगी देख के इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जब भी हमारे ना अगर पहली हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं पहली वीडियो अपलोड कर दूँगा तभी। गाइस फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मैं फटाफट अगर आज ही हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आज ही वीडियो अपलोड करूँगा ऑडियो की, इसकी ऑडियो आउटपुट आज ही अपलोड करूँगा, आज ही, चाहे मुझको रात तक बनाना पड़े पर फिर भी गाइस मैं आज ही इसकी वीडियो अपलोड करूँगा ऑडियो की, आपको सारा सुनाऊँगा इसकी कैसे काम करता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना बस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर दे देना, और अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हो कि ये कितने का पड़ेगा तो भी मैं कमेंट्स में ज़रूर बता दूंगा, नहीं तो शायद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कहीं मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो में, आपका वीडियो देखने के लिए थैंक्स।